और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। इस वक्त की बड़ी और खास खबर आ रही है रूसिया से, जहां भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये चरितार्थ सच है। आपने देखा होगा कि न्यायालय में मनुष्य को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और कई वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि न्यायालय में भगवान को भी न्याय पाने के लिए 7 साल का समय लग गया था। जी हाँ, ऐसा ही एक उदाहरण जोधपुर जिले के ओसिया में देखने को मिला। यहाँ करीब 7 साल पहले सेवक समाज की कुलदेवी पीपलाज माता, कुबेर भगवान और गणेश जी की मूर्तियां निज मंदिर से 13 फरवरी 2013 को रात्रि में चोरों द्वारा चुरा ली गई थी, जिस पर सेवक समाज के लोगों ने स्थानीय पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज करवा दिया था। तो वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 18 मई 2013 को चोरी की गई मूर्तियों को मथुरा से बरामद कर लिया था और मूर्तियां मालखाने में रख दी। इसके बाद मूर्तियां मंदिर ट्रस्ट को सौंपने के संबंध में पुरातत्व विभाग को लिखा गया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। फिर मंदिर पुजारी हुकुमदास वैष्णव ने ओसिया स्थित सिविल न्यायालय में अर्जी दायर की। आखिरकार 7 साल बाद मालखाने में विराजे भगवान को भी न्यायालय से न्याय मिल ही गया। न्यायाधीश सिद्धार्थ सांधु ने पुजारी हुकुमदास की तरफ से दायर अर्जी पर फैसला सुनाते हुए पुरातत्व विभाग जोधपुर को उक्त मूर्तियां मालखाने से पुनः निज मंदिर में स्थापित करने और मंदिर में मूर्ति वाले स्थान पर लाइट सहित सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। 7 साल से हमारे माता जी कुलदेवी है, जो हमारा आस्था का प्रतीक है, पुरातत्व विभाग का जो पुराना मंदिर था वहाँ से जो 3 मूर्तियाँ गणेश जी की, माता जी की और कुबेर भगवान की चोरी हुई थी, तो उस संबंध में वो तब से ही कोर्ट में बरामद होके कोर्ट में आ गई। कोर्ट ने विचाराधीन मामला था पिछले 7 साल से, तो वो थाने के अंदर रही और 7 साल तक हमारी आस्था, पूजा पाठ, रातिजोगा, जात जड़ूला सब वो थाने में ही हमको करना पड़ता था। और उसके बाद में जो न्यायिक ओसिया न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उनका हमारे समाज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और हमारे समाज में एक खुशी की लहर आई है, जो मूर्तियां जो जहां पुरातत्व विभाग के पुराने मंदिर में प्राचीन धरोहर में थी, वहीं वापस उनको पूजा पाठ करके विधि विधान से वहीं वापस स्थापित करने का जो आदेश हुआ है, इसके लिए हम बड़े ही खुश हैं, उत्सुक हैं और मुहूर्त होते ही हम उनको वहां पर स्थापित कर। और फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज।